हरियाणा चुनाव नतीजों पर पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने कहा कि हम एग्जिट पोल से दूर जमीन पर काम करने में विश्वास करते हैं, हम जमीनी आंकड़ों पर विश्वास करते हैं। मेरा मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हुआ, जिस तरीके से कड़े फैसले लिए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता बबीता फोगाट ने कहा कि हम जमीनी स्तर पर मौजूद आंकड़ों पर विश्वास करते हैं। फोगाट ने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुए काम के आधार पर ही फैसला लिया गया और इसी का परिणाम है कि हरियाणा में बीजेपी का परचम फिर से लहराएगा। प्रदेश में 36 बिरादरी ने बहुमत की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। बबीता फोगाट की तरफ से जमकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा गया। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या फिर हरियाणा में विपक्ष के नेता, इन सभी ने झूठ की राजनीति फैलाई है। प्रदेश की जनता के सामने विपक्ष का पर्दाफाश हो गया है, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया। फोगाट ने यह भी कहा कि लोगों ने हरियाणा के विकास के लिए वोट दिया है। पार्टी एग्जिट पोल से हटकर धरातल पर काम करने में विश्वास करती है और धरातल के आंकड़ों को मानती है, और मैं मानती हूँ कि इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं और मुख्यमंत्री नायब जी का नेतृत्व में जिस तरह से काम हुए हैं और जिस तरह से कड़े फैसले लिए गए हैं, ये उन नीतियों का परिणाम है कि आज पूरे 36 बिरादरी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में 36 बिरादरी का बहुत बड़ा अहम रोल है। अब आपको बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने कांग्रेस नेता विनेश फोगाट पर निशाना साधा। विनेश फोगाट ने जुलाना विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी को 6015 वोटों से शिकस्त दिया। इसके साथ विनेश फोगाट राज्य में चुनाव जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गई। बबीता फोगाट को बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। अब बबीता को उम्मीद होगी कि शायद नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में उन्हें भी स्थान जरूर मिलेगा।